बिसम रहीम सो वी आर डूइंग पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट जिसमें हमने कैप एम और डिफरेंट रिस्क की बात की थी तो टोडे भी गोइंग टू एक्सटेंड इट टू सिक्योरिटी मार्केट लाइन सिक्योरिटी मार्केट लाइन एस एम एल जिसको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेम जो आपने कैपेम पढ़ा है जो अप्लाई किया कैलकुलेट किया है उसकी उसकी जो अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करें तो दैट इज़ कॉल्ड एस एम एल इसको सी एम एल से कंपेयर नहीं करना वो डिफरेंट लॉजिक पे मूव करती है ये डिफरेंट लॉजिक से अगर मैं मेन डिफरेंस की भी बात करूँ तो सी एम एल इज़ बेस्ड ऑन टोटल रिस्क स्टैंड एविएशन एस एम एल इज़ बेस्ड ऑन बीटा ओनली द सिस्टमैटिक रिस्क इट इज़ विद बीटा रिफ्लेक्टिंग सिस्टमैटिक रिस्क ऑन एक्स एक्स एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन वाई लॉजिक वही है रिस्क और रिटर्न का बट जो रिस्क का इंडिकेटर है वो स्टैंड एविएशन नहीं है अब बीटा है जो कि मेनली सिस्टमैटिक रिस्क के लिए होता है एस एम एल इंटरसेक्ट द वाई एक्स इज एट रिस्क फ्री रेट स्टार्टिंग पॉइंट इसका भी रिस्क फ्री रेट ही होता है और उससे फर्दर ये मूव करता है द स्लोप ऑफ लाइन इज द रिस्क मार्केट मार्केट रिस्क प्रीमियम आर एम माइनस आर एफ उसी की स्लोप पे ये मूव करता है एंड एस एम एल इज फार्मूलेटेड एज फॉलोज ये कोई नया फार्मूला नहीं है आपको पता है ये वही कैपम का फार्मूला है जिसको हमने लेके मूव किया था के आर एफ प्लस बीटा टाइम द रिस्क प्रीमियम और बीटा जैसे निकलता है इट्स द कोशन ऑफ़ द मार्केट्स एंड योर पोर्टफोलियो एंड हाउ दैट इज बी गेज ये हमने शुरू में बीटा की कैलकुलेशन भी की हुई है इसको आप एक दफ़ा रिकॉल भी कर सकते हैं ऑल दो सिमिलर टू एस सी एम एल जो मैंने पहले बात की है उसको कन्फ्यूज़ नहीं करना सी एम एल ओनली अपलाइज टू पोर्टफोलियो ऑन एफिशियंट फ्रंटियर वो एफिशियंट फ्रंटियर को लेकर कैप्चर कर रहा होता है दे प्रोवाइड ऑप्टिमल रिस्क एंड रिटर्न दोनों के सिर्फ ऑप्टीमल लेवल्स की बात करते हैं और जो मेन फर्क दूसरा मैंने बताया दैट इज द स्टैंड एविएशन वन ऑन द अदर हैंड एस एम एल अपलाइज टू एनी सिक्योरिटी वेदर एफिशियंट और नॉट ये किसी भी सिक्योरिटी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं जो अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो एस एम एल के साथ ज्यादा यूटिलाईजेशन है टोलट रिस्कमैटिक रिस्क आर इक्वल फॉर एन एफिशिएंट फ्रांट वो एफिशिएंट फ्रांटियर को टोटल तो की बात करें तो वो सिंपल लॉजिक पे मूव करता है दिस इज बिकॉज नॉन सिस्टमैटिक रिस्क हैज़ बीन डावर्सिफाइड अवे क्योंकि हम कह रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन से जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो खत्म हो जाता है वी आर नॉट गोइंग टू कैप्चर इट वो ऑलरेडी बिल्ट इन रिफ्लेक्शन होगी उसमें हमें कोई रिटर्न नहीं मिलेगा क्योंकि एक चीज सिर्फ स्प्रेड करने से ख़त्म हो सकती है तो फिर उसका मार्केट आपको रिटर्न नहीं देगी मार्केट उसका देगी जिस जिसपे रिटर्न डाइवर्सिफाइबल नहीं है तो ये ग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे वी हैव रिस्क फ्री रेट से स्टार्ट कर रहे हैं हम और ये एस एम एल की जो आपकी लाइन है दिस इज द मार्केट पोर्टफोलियो वहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन द गिवन लेवल ऑफ रिस्क सो हाउ वी टेक हायर द रिस्क देन देस गोइंग टू

यूज करते हैं रेफर कर रहे होते हैं कि वेयर इट स्टैंड इज इट स्टैंड ऑन द एस एम एल अंडर इट ओवर इट सो उससे गेज हो जाता है कि ये फेयरली प्राइज्ड है अंडर प्राइज्ड है ओवर प्राइज्ड है एस एम एल चार्ट इफ इट अपीयर्स अबव इट इज कंसिडर्ड अंडर वैल्यूड यानी कि उसकी वैक्ट ट्रू वैल्यू से ज्यादा है और अभी हमें उसको नीचे रखा हुआ है तो दैट मीन इट इज अंडर वैल्यूज दिस इज दॉज पोजिशन ऑन द चार्ट इंडिकेट सिक्योरिटी ऑफर ग्रेटर रिटर्न अगेंस्ट एन हेर एंड रिस्क उसके अपने जो हम गेज करके कर रहे हैं उससे एक्चुअली वो रिटर्न ज्यादा ऑफर कर रही है इट इज दैट एनी मार्केट इज इन इक्वलीब्रियम मार्केट्स की थोरेटिकली बात होती है किब्रियम में मार्केट्स में इन एफिशंसीज और प्राइसिंग गैप्स अपॉर्चुनिटीज रहती हैं तो दे मे भी केसेज वेयर सिक्योरिटी एक्सपीरियंस एक्सेस डिमांड एंड प्राइस इंक्रीज सिर्फ डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ जाए तो वो प्राइस तो बढ़ गई लेकिन वो ट्रू रिफ्लेक्टिव नहीं है हेयर कैपन वुड इंडिकेट द दिक्योरिटी शुड भी कि हमारा कैप कैपम गेज करता है कि इसकी होनी क्या चाहिए तो होनी क्या चाहिए और है क्या जब उसको कंपेयर करते हैं तो पता लग जाता है कि अंडर वैल्यू है कि ओवर वैल्यू होनी चाहिए 80 मार्केट में वो 110 का ट्रेड कर रहा है तो दैट मीन्स ओवर प्राइस हो चुका हुआ है इट हैज़ टू फॉल तो हमारे मुताबिक वो ट्रू प्राइसिंग रिफ्लेक्शन नहीं है जब मार्केट्स अपने नॉर्म्स पे जाएगी ट्रू रिफ्लेक्शन पे जाएगी तो वो उसको उसकी प्राइस जो है वो ठीक हो जाएगी इट शुड कम टू द लोअर लेवल सो इट सेम कुड गो अप फॉर आर कैलकुलेशन तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज इसमें होती हैं दिस रिड्यूस एक्सपेक्टेड रिटर्न क्योंकि अभी हमने जैसे बात की कि वो पहले ही उसकी प्राइस बढ़ गई है तो वो उसमें फिर रिटर्न का पार्ट कम हो जाता है एनी गैप बिटवीन द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड प्राइस इज नोन एज एल्फा जो हम लोग गेज कर रहे थे वैन एल्फा इज नेगेटिव द एक्सेस सप्लाई रेज द एक्सपेक्टेड रिटर्न तो वो जब आप अल्फ़ा नेगेटिव भी हो सकता है कि उसमें जो एक्सपेक्टेशन हैं वो रिवर्स हो गई हैं अदर वे राउंड हैं वन अल्फ़ा इज पॉजिटिव इन्वेस्टर रियलाइज अबव नॉर्मल रिटर्न क्योंकि वो हमने अंडर चीज़ ढूंढ ली है उसमें पॉजिटिव रिटर्न हमें मिल जाएगा एक्सपेक्टेशन है कि वो हमारे मुताबिक उसकी प्राइस ज़्यादा है मार्केट उसको कम पे प्राइस कर रही है तो वी शुड गेट इट अकॉर्डिंग टू मोस्ट एस एम एल एनालिसिस कंसिस्टेंटली हाई अल्फ़ाज द रिजल्ट ऑफ स्पीरियस स्टॉक पेकिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो ये आप जो जितने बड़े बड़े हाउसेज़ हैं मेरे लैंड की बात करें या पाकिस्तान की बात करें कि एस बी सिक्योरिटीज़ हैं या जो आर एफ हबीब हैं ये इतना अच्छा रिटर्न या इतने क्यों कमा लेते हैं क्योंकि ये अपनी सिक्योरिटी सिलेक्शन और इनकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इतनी अच्छी होती है कि बाकीों के कंपेरिजन में इनके रिटर्नस बेहतर आ जाते हैं सो तो फिर ये अपना प्रीमियम भी चार्ज करते हैं उनकी अपनी रेपुटेशन भी आती है बिकॉज दे आर मोर इन इट सो दिस इज दीज आर द टूल्स दे यूज टू एक्सपेक्ट और डू द सिक्योरिटी सिलेक्शन सेलेक्शन एडिशनली बीटा हायर देन वन सजेस्ट दैट सिक्योरिटी रिटर्न इज ग्रेटर दैन मार्केट एज अ होल लेकिन ये सिंपल उसका ये लॉजिकल का बात है कि अगर आपने अगर एम सी बी शेयर लेट से ले रहे हैं तो उसका बीटा वन से ज़्यादा है तो वी नोइंगली वी आर टेकिंग अ हायर रिस्क वी एक्सपेक्ट अ हायर रिटर्न सिमिलरली अगर वो फॉल आती है तो वी शुड एक्सपेक्ट अ मोर फॉल बिकॉज वी आर टेकिंग अ हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट तो ये बीटा वन से ज्यादा होना एक और टूल है सिलेक्शन में और अंडर और ओवर प्राइस को सिलेक्शन करना डिफरेंट है बट दीज आर बोथ अंडर द डोमेन ऑफ कैप और ये हमारी यूटिलाइजेशन होती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सेवरल डिफरेंट एक्सोजीनियस वेरिएबल्स कैन बी इम्पैक्ट द स्लोब ऑफ सिक्योरिटी मार्केट के और भी बड़े फैक्टर्स हैं जो कि उसको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं सो वी हैव टू बिल्ड इन दैम लुक इन टू दैम जैसे इंट्रस्ट रेट्स रियल क्या चेंज हो रही हैं मार्केट्स में क्या मूवमेंट है इन्फ्लेशन फैक्टर्स क्या हैं तो so ये भी हमेरी उसको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं कि हाउ मार्केट्स विल रिस्पॉन्ड सो वी हैव टू टेक केयर विद दीज एजम्पन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड दैन डू द सिक्योरिटी सिलेक्शन